राम राम दोस्तों, आइए हम नया आपको जातक लगाना सिखाते हैं कि नया जातक कैसे लगता है। दोस्तों आज हमने ये देखिए नया पत्थर लाया है, अभी लेके आया, जस्ट देखिए ग्रैंड मास्टर का पत्थर है, राजस्थान का, अजमेर राजस्थान। देखिए दोस्तों, देखिए ये अजमेर राजस्थान का है, ग्रैंड मास्टर है, ये काला पत्थर है दोस्तों। आज हम इसको लगाना आप लोग को बताएंगे कि कैसे इसको लगाया जाता है नया पत्थर, जब नया पत्थर आपको चेंज करना हो तो। दोस्तों देखिए, इसमें तो हम लगा चुके हैं दोस्तों, बट दोस्तों थोड़ा सा इसमें शुरू में काम करना होता है दोस्तों। देखिए ये सब जो ये साइड साइड का खड़ा खड़ा है बहुत सारा, तो दोस्तों देखिए ये पत्थर है जो इसमें खाचा का पहले खड़ा खड़ा है, इसको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ देना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से दूसरा ये चीज है साइड, इधर इधर जो अपना रहता है दोस्तों, देखिए इधर इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। दोस्तों देखिए ये जो साइड साइड में भी थोड़ा थोड़ा सा पत्थर रह गया है खाचा का, इसको थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देंगे केवल ये साइड साइड का, और फिर इसको रेत डाल के और घिसाई करेंगे दोस्तों। आगे का आपको दिखाते हैं कैसा प्रक्रिया करते हैं दोस्तों। ये देखिए ये केवल साइड साइड का है, थोड़ा थोड़ा इसको छोड़ा देना है, चलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम इसको लगाना दिखाते हैं आपको कैसे लगाना है दोस्तों। देखिए ये जो सापड़ है दोस्तों, इसको इसमें डालेंगे, ये देखिए दोस्तों, और इसको ये अपने चक्की के अनुसार किस में लगाना होता है वो से आपने देख लीजिएगा दोस्तों। हमारा चक्की में चौथा नंबर पे लग जाता है, 1 2 3 4 इसमें लगेगा दोस्तों हमारे चक्की में, क्योंकि हमारा पुराना बॉडी है RCM का, तो उसके हिसाब से इसमें ही लगता है दोस्तों। दोस्तों इसका क्लिप है पीछे साइड का, इसको डाल देंगे। दोस्तों अब इसको डालते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इसको डालते हैं, तो कंप्लीट हो गया। अभी नया जाता लग रहा है इसलिए इस चाप को पूरा ढीला करना पड़ रहा है, क्योंकि नया चाप नया में पूरा जगह ले लेता है। देखिए दोस्तों ये तीन तरह का है, जब नया लगता हो तो ये सबसे बड़ा वाला लगता है, उसके बाद थोड़ा घिस जाए ये बीच वाला लगेगा, और लास्ट में फिर ये लगेगा जब पूरा घिस जाए तो। दोस्तों अभी हमारा नया है तो हमें ये वाला लगाना है, इसलिए हम नया वाला डाल रहे हैं अभी, सबसे बड़ा वाला स्प्रिंग। ये देखिए दोस्तों, ये बूश है, कई लोग इसे सेफ्टी वाशर भी कहते हैं, ये यहाँ पे लगता है दोस्तों। देखिए स्प्रिंग के साइड लग जाता है,
इससे क्या होता है दोस्तों कि दाना जो है ना वो बैरिंग के साइड नहीं आने देता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि बैरिंग में कचरा नहीं आता है दोस्तों। ये बुश कहते हैं इसको, हमारे इधर तो बुश वाला था, कई लोग इसे सेफ्टी वाशर भी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जब दाना जाता है दोस्तों तो ये जो सेफ्टी वाशर है वो यहाँ अड़ जाता है जा करके, देखिए यहाँ पे बैरिंग के साइड लग जाता है, जिससे वो बैरिंग के साइड कचरा नहीं आता है दोस्तों। आपको आके बताते हैं दोस्तों कि ऐसे देखिए इसको इस तरह से लगाया जाता है दोस्तों। तो ये देखिए अंदर सेट जाता है, चिपक जाता है बैरिंग के साइड, जब बैरिंग के साइड चिपक जाता है तो इधर कचरा नहीं आने देता है दोस्तों, यही इसका काम है दोस्तों। ये फायदा होता है दोस्तों इसमें। दोस्तों अब तो ये फाइनल हो चुका है सेटिंग, अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए रेत लाए दोस्तों, ये देखिए रेत रेत लाए हैं, इसको डाल के इस चक्की को मिलाना है रेत से। दोस्तों बहुत लोग पानी से भी मिलाते हैं बट हम रेत से मिलाते हैं दोस्तों। देखिए ये रेत है, अब इसको रेत से ही हम मिलाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ऐसे आप मिला सकते हैं दोस्तों, और इस तरह से नया जाता का सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों हमने इसे देखिए पूरा ये पूरा बालू का पूरा मैदा बना दिया। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा बालू का मैदा हो गया, ये मैदा जैसा हो गया बालू। अब हमारा ये जो पत्थर है मैं दोस्तों ये मिल चुका है दोस्तों, अब पत्थर जो है हमारा वो मिल चुका है। अब इसको इससे आटा पीस के दिखाएंगे दोस्तों थोड़ी देर।